पंजाब में आज सूबे चशम ने संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ली। वजीर आला की हदायत पर सरकारी और प्राइवेट स्कूल कल बंद करने का ऐलान। मेट्रिक क्लासेस तक तमाम बच्चों को छुट्टी होगी। पीर से बच्चों को मरकजी दरवाजा पर टीचर्स खुद चेक करेंगे। मरीज बच्चों को स्कूल में आने की इजाजत नहीं होगी। गैर मियारी इंजेक्शन माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। गिरोह का दूसरा कारिंदा आसिम भी फैसलाबाद से गिरफ्तार। वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा, दो मरकजी मुलजम गिरफ्तार हो चुके। जिन अस्पतालों में इंजेक्शन लगे उनमें से 13 सील कर दिए। इंजेक्शन एवेस्टिन का कैंसर के इलाज में इस्तेमाल जारी रहेगा। वजीर आला ने कहा कि आंखों की बिनाई के मामले पर मुलजमान को पकड़ रहे हैं। मुलजिम डेफिनेटली पकड़ा गया है, पुलिस लगी हुई है। जो जो भी उसमें मुलवस उसको पकड़े बगैर किसी प्रेशर में आए, डेफिनेटली कुछ बासर लोग भी हैं, लेकिन किसी के ऊपर भी कोई रियायत नहीं है। पहली बार जो हमने विक्टिम से जो वादा किया था वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनको अदालत तक जरूर पहुंचाएंगे, जो हमारा फर्ज है करना। निगरान वजीर आला का रिंग रोड और पंजाब कायद डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट्स का फजाई दौरा। लाहौर रिंग रोड सदर्न लूप 3 के रूट का जायजा लिया। मराका से बहरिया टाउन अड्डा प्लॉट तक तामीराती सरगर्मियों का मुशाहदा किया। निगरान वजीर आला का घोड़ा चौक फ्लाईओवर का भी दौरा। बोले, घोड़ा चौक फ्लाईओवर और 90 रोज में काम मुकम्मल किया जाए। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का अचानक सैद मिठास अस्पताल का दौरा। आशूबे चशम का शिकार, चार डॉक्टर्स की तरफ से मरीज के ऑपरेशन पर शदीद बरहम। वबा का शिकार अफराद के ड्यूटी पर मौजूद होने पर एमएस की सरजनश। दूसरी तरफ निगरान वजीर आला मियो अस्पताल भी गए। जेर तामीर एमरजेंसी ब्लॉक का दौरा किया। तामीराती कामों एमरजेंसी ब्लॉक के बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर का मुआयना किया। बोले कि एमरजेंसी ब्लॉक की अपग्रेडेशन का खुद जायजा लूंगा। पाकिस्तानी रुपया इस्तेहकाम की जानिब गामजन। डॉलर मजीद 1 रुपये सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 288.80 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में भी अमरीकी डॉलर 1 रुपया सस्ता होकर 290 रुपये पर ट्रेड। महंगाई के सुनामी में गरीब तबका बह गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे चावल चीनी की कीमतें दुगना। चावल की कीमत 410 रुपये की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई। 10 किलो आटे का थैला 1420, चीनी 147 रुपये किलो बिकने लगी। दूसरी तरफ प्याज बाजार में 100 रुपये किलो में फरोख्त। टमाटर 120 किलो हो गया। सिंगल और थ्री फेज मीटर्स की किल्लत। लेस्को का पुराने मीटर्स दोबारा लगाने का फैसला। कंपनी ने मंजूरी दे दी। सोलर सिस्टम की बुनियाद पर उतरने वाले मीटर्स को दोबारा किसी और जगह नस्ब किया जा सकेगा। डिफेक्टिव कोड के हामिल सार्फिन के मीटर्स को पुराने मीटर से तब्दील किया जाएगा। बगैर लाइसेंस गाड़ी मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ आज से क्रैकडाउन तेज। बिला तफरीक लाइसेंस चेक करने की हदायत। लाइसेंस ना होने पर दीगर वायलेशन कोड के साथ लाइसेंस ना होने का जुर्माना किया जाएगा। ड्राइविंग तजदीद लाइसेंस और इंटरनेशनल लाइसेंस के लिए SOPs जारी कर दिए गए हैं। विफाक के जेर इंतजाम शेख जैद अस्पताल के आउटडोर में हड़ताल का चौथा रोज। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस रापा एहतजाज। इलाज न मिलने पर मरीज मायूसी से दो चार। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। नहम और दहम के पेपरों की मार्किंग और इम्तिहानी ड्यूटियां देने वाला निगरान अमला मुआवजे को तरस गया। सालाना इम्तिहानात का इनेकाद जमा साल मार्च में किया गया। 6 माह गुजर जाने के बावजूद 10,000 से ज्यादा असातिज़ा मुआवजों से महरूम हैं। बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। 24 घंटों में 70 मुकदमा दर्ज कर लिए गए, 1 गिरफ्तारी। डीसी राफिया हैदर की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट कमेटी का अहम इजलास। डीसी की बिजली चोरी के हर मुकदमे में गिरफ्तारी यकीनी बनाने की हदायत। कुरान पाक के मुसद्दिका तर्जुमे से मुतालिक समाज। हाईकोर्ट का वजीर आजम और वजीर आला को तलब करने का हुक्म जारी। वजीर आजम, वजीर आला, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल 16 अक्टूबर को पॉलिसी बयान देने की हदायत। हुक्मनामे की कॉपी वजीर आजम सेक्रेटरीट को बजरिया फैक्स भेजने की हदायत जारी कर दी है।
जरावाला सानहे के लिए जुडिशल कमीशन के क्याम का केस, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम या शकील अहमद पेश। हुकूमत को जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला करने के लिए 2 अक्टूबर तक की मोहलत। जस्टिस आसिम हफीज ने कहा कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना हुआ तो चीफ सेक्रेटरी को शोकाज नोटिस जारी करेंगे। लाहौर मास्टर प्लान में बेजाब्तियों का मुकदमा, साबिक DGLDA आमिर अहमद खान की अबूरी जमानत की दरख्वास्त। स्पेशल जज एंटी करप्शन ने आमिर अहमद खान की 9 अक्टूबर तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। एंटी करप्शन हुकाम को गिरफ्तारी से रोक दिया गया। साबिक MPA नजीर चौहान और दीगर के खिलाफ पुलिस पार्टी हमला केस में पेशरफ्त, पुराना केस खुल गया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने नजीर चौहान को तलबी के समन जारी किए थे। अदालत ने गवाहों की फहरिस्त तलब कर ली। 4 अक्टूबर को दीगर शरीक मुलजमान भी तलब कर लिए गए। बैंकिंग कोर्ट की दोनों अदालतों में जजेस की तालगुनाती ना हो सकी, केसेज मुसलसल इल्तवा का शिकार। दोनों अदालतों का एडिशनल चार्ज बैंकिंग कोर्ट नंबर 6 को दिया गया। हाई कोर्ट की जानिब से नाम भिजवाने के बावजूद तायुनातियों में ताखीर का सामना। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की जेरे सदारत इंतजामी कमेटी के 7 सीनियर जजेस का इजलास, इंतजामी अमूर के बारे में तबादला ख्याल किया गया। इजलास में सीनियर तरीन जज जस्टिस मलिक शहजाद अहमद, जस्टिस शुजात अली, जस्टिस अली बाकी नजफी, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस आबिद अजीज की भी शिरकत। पंजाब जुडिशल अकेडमी में जेर तरबियत जजेस के तरबीती सेशन की तकरीब, चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की खसूसी शिरकत। नए भर्ती एडिशनल सेशन जजेस और सिविल जजेस ने तरबीती कोर्स मुकम्मल किया। नार्कोटिक्स मुकदमात में माले मुकदमा का इंदराज हर सूरत करने का हुक्म, जस्टिस क्रिमिनल कमेटी में सेशन जज का तमाम मजिस्ट्रेट को हुक्म जारी। मुलजमान की मेडिकल रिपोर्ट्स भी कंप्यूटराइज करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। नैब लाहौर में तायुनात पुलिस अफसरान की तरक्कियां, DG नैब लाहौर अमजद मजीद औलख ने 7 अफसरान और अहलकारों को नए रैंक लगाए। तरक्की पाने वालों में सब इंस्पेक्टर नासिर महमूद, ASI एहसन नवाब शामिल, रऊफ यूसुफ, मोहम्मद सलीम और मोहम्मद परवेज और लियाकत अली शामिल। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की जेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास कल होगा। ग्रीन पाकिस्तान, इंसदाद स्मगलिंग नेशनल एक्शन प्लान एजेंडे में शामिल। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी, कच्चे के इलाके में ऑपरेशन भी एजेंडे में शामिल किए गए हैं। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के डिवीजनल सदूर का जूम इजलास, राणा फारूक सईद ने सदारत की। आम इंतखाबात और बिलावल भुट्टो की लाहौर आमद के 2 निकाती एजेंडे पर गौर, असलम गिल, तस्लीम कुरैशी, राणा जवाद, आसिफ बशीर भागच और दीगर की शिरकत। पिंडी राजपूता में शाइस्ता परवेज ने सीवरेज पाइपलाइन और तामीराती काम का इफ्तिताह कर दिया। शाइस्ता परवेज मलिक ने गलियों का काम मुकम्मल तौर पर मुकम्मल करने के लिए जायजा भी लिया। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की तैयारियां जोर पकड़ गईं, घर गली मोहल्ले सजाए जाने लगे। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम खुशियों में मगन, सरकारी और नीम सरकारी इमारतों की सजावट शुरू, सजावटी सामान बेचने वालों की चांदी। अंजमन ताजरान की जानिब से शालम मार्केट में महफिल मिलाद, सदर अंजमन ताजरान मुजाहिद मकसूद भट्ट ने एहतमाम किया। हाफिज तलाल हुसैन ने सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पर रोशनी डाली। नातख्वा नवीद जाहिद ने बारगाह रसालत में अकीदत के फूल निछावर किए। वजीर औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब बैरिस्टर असफर अल नासिर की जेर सदारत इजलास, 12 रबीउल अव्वल के इंतजाम का जायजा। तमाम कमिश्नर्स को 12 रबीउल अव्वल को शायान शान तरीके से बनाने के लिए हदायत जारी। सालाना इंटरनेशनल सीरत कॉन्फ्रेंस 11 रबीउल अव्वल को मुनक़द की जाएगी। वज़ीरे सेहत डॉक्टर जावेद अक्रम का कैंसर रजिस्ट्री के क्याम का ऐलान। डॉक्टर जावेद अक्रम ने कहा कि मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी बड़ा इकदाम है। KE मेडिकल यूनिवर्सिटी में खून के कैंसर के बारे में इलाज और आगाही सेमिनार, शोभा एनकोलॉजी के सरबराह डॉक्टर अब्बास खोखर ने कैंसर के इलाज पर रोशनी डाली। वज़ीर इत्तला आमिर मीर की ज़ेर सदारत सकाफ़ती मेले के लिए इजलास, 27 अक्टूबर से 12 नवंबर तक सकाफ़ती सरगर्मियां मुनाक़द करवाई जाएंगी। क्लासिकल फोक और पॉप म्यूजिक इवेंट्स मुनाक़द किए जाएंगे।
UMT में फॉल एडमिशन के लिए तुलबा तालिबात के स्पोर्ट्स ट्रायल्स मुकम्मल। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस समेत 32 दीगर खेलें शामिल। डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर आबिद शेरवानी के मुताबिक तमाम तुलबा को 100% मेरिट पर दाखिला दिया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एफबरा के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में तकरीब का इनेकाज। खिलाड़ियों की फिटनेस को यकीनी बनाना, कोचिज की साइंसी खतूत पर तालीम भी माहदे में शामिल। चेयरमैन जकाशफ की शिरकत, एफबरा के नुमाइंदगान ने ब्रीफिंग दी।